અને નાચીને એમ કીધું કે નથિંગ બિયોન્ડ ગીતા। गुजरात के महसाना में श्रीमद् भगवत गीता पर महासम्मेलन हिंसक नहीं अहिंसक था महाभारत का युद्ध, भगवत गीता में मिलता है उल्लेख। 84वीं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कई स्थानों में कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू। मुख्यालय शांतिवन के समीप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल मैदान में मेले की तैयारी प्रारंभ। कर्नाटक के बीदर में शिव जयंती पर 5 दिवसीय प्रवचन माला का आयोजन। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल हुए शामिल। नवनिर्मित आंतरिक शांति अनुभूति केंद्र का भी किया उद्घाटन। और आखिर में पंजाब के भटिंडा में NDRF 7 बटालियन के जवानों के लिए कार्यक्रम। बीके भगवान ने तनाव मुक्ति के लिए सकारात्मक जीवन शैली को अपनाने का किया आह्वान। नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और मैं हूं तुलसी। बुलेटिन की शुरुआत आज करेंगे गुजरात के महसाना से, जहां गॉडली पैलेस में श्रीमद् भगवत गीता महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ ब्रह्मकुमारी संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रजमोहन, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज हेमंत भाई रावल, आवनत संस्कृत संस्कृति स्वाध्याय संस्था के अध्यक्ष मनीभाई प्रजापति, विश्व हिंदू परिषद गुजरात के प्रमुख दिलीप भाई त्रिवेदी, गणपत यूनिवर्सिटी के निदेशक दशरथ भाई पटेल, कार्यक्रम की मुख्य वक्ता कर्नाटक के सिरसी से आई गीता की विद्वान बीके वीना, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरला, अंबावड़ी सेवा केंद्र की प्रभारी बीके शारदा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने अपने आशीर्वचन देते हुए निराकार परमपिता परमात्मा शिव को गीता का भगवान बताया, साथ ही आत्मा में सदा शांति एवं सर्व के प्रति प्रेम भाव कैसे बना रहे इसका भी मंत्र दिया। वही आगे गीता में वर्णित उपदेश क्या हिंसक युद्ध को प्रेरित करता है, इस बात का स्पष्टीकरण करते हुए बीके ब्रजमोहन एवं बीके वीना ने अपने विचार व्यक्त किए। मूल बात है सृष्टि का रचयिता एक ही सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा है, जिसको हम इन आँखों से नहीं देख सकते हैं, परंतु उसको सच्चे दिल से मानने से हमारे अंदर जो दैवी गुणों की जागृति होती है, हम अपने जीवन को उन दिव्य गुणों से चलाते हैं। क्या भगवान ने हिंसा की प्रेरणा दी और श्रीमद् भगवद गीता का सारा मूल्य ही घटा दिया गया है केवल एक बात करके कि वो हिंसा का शास्त्र है, हिंसा को समाप्त करने वाला ग्रंथ है, 5 प्रकार की हिंसा को नष्ट करने वाला ग्रंथ है। एक बात हम याद जरूर रखेंगे ये बातें सुनते हुए, जब भगवान ने गीता सुनाई थी, मानते हैं 5000 साल पहले भगवान ने गीता सुनाई थी, तब कोई दूसरे धर्म की तो जिक्र है नहीं। यहाँ धर्म की कौन सी बातें हो रही है, ना इस्लाम क्रिश्चियन या हिंदू धर्म की बातें हो रही है, ये आत्मा के स्वधर्म की बातें हो। इस महासम्मेलन में मौजूद अन्य महानुभावों ने विचार साझा किए और दादी रतन मोहिनी जी का सम्मान किया। वही बीके सरला एवं बीके शारदा ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। श्रीमद् भगवत गीता ने माथा ऊपर मुकी अने नाची ने एम कीधु के नथिंग बियॉन्ड गीता, गीता थी ऊपर कई छेद नहीं अने होई पण न सके, कारण के परब्रह्म परमात्मा नी वाणी छे, એનાથી શ્રેષ્ઠ તો વ્યક્તિ તો હોઈ જ ન શકે। ગીતાને એક આપણે ધર્મ સાથે નહીં જોડી શકાય, એ કોઈ પર્ટિક્યુલર ધર્મની આપણે કહીએ કે હિન્દુ ધર્મનું શાસ્ત્ર છે તો નહીં, એવું નથી। આ ગીતા છે જીવન જીવવાની રીત છે, આપણને શીખવાડે છે કે આપણે કઈ રીતે જીવવાનું છે। ગીતામાં જો યુદ્ધ કી બાત હૈ, મહાભારત યુદ્ધ કી બાત હૈ, મહાભારત યુદ્ધ
वहाँ पर हमारे दिल में चल रहा है, आसुरी संपत्ति और दैवी संपत्ति के बीच चल रहा है, सत्य और असत्य का चल रहा है, रब सत्य और असत्य का, धर्म और अधर्म का, भ्रष्टाचार और सदाचार का, है ना, निर्मलता और आतंकवाद का, ये जो युद्ध चल रहा है ना। इसी क्रम में दूसरा कार्यक्रम मेहसाना के नामांकित पंडित दीनदयाल उपाध्याय टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जहां सम्मेलन में 1000 से अधिक लोगों की मौजूदगी में पैनल डिस्कशन में राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी समेत गुजरात हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पी के जानी, विसनगर में एमएन कॉलेज के पूर्व आचार्य मफतलाल ईश्वरलाल पटेल एवं बी के सरला पैनलिस्ट रहे। इन कार्यक्रमों के चलते सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी विशेष आयोजन रहा। भगवान ने खुद वायदा किया है कि मैं धर्म ग्लानि के समय अवतरित होता हूं, मैं धर्म ग्लानि तो सबसे पहले हम इस बात को स्पष्ट करेंगे कि भगवान वो एक है। आप सब इस बात से सहमत हैं? ब्रह्मकुमारी संस्था के सोशल एक्टिविटी ग्रुप द्वारा शांतिवन के समीप एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल मैदान में 18 फरवरी से 22 फरवरी 2020 तक शिवरात्रि महोत्सव मेला लगाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इसका शुभारंभ मंगलवार को सायंकाल 6 बजे होगा। 84वीं शिव जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में लगाए जा रहे इस मेले में शिवलिंग की विशेष झांकी, कुंभकरण का लाइव शो, वैल्यू गेम्स, राजयोग शिविर समेत अलग अलग विषयों पर सेमिनार, अनुभूति कक्ष, शिवलिंग का होलोग्राम आदि विशेष आकर्षण रहेगा। इस पर अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारे संवाददाता बीके कोमल की ग्राउंड रिपोर्ट। ये शांतिवन के समीप जो रेजिडेंशियल स्कूल है आदिवासियों का, उनका ग्राउंड इलाका है, करीब 40,000 स्क्वायर फीट में ये बसा हुआ है। और इस बार जो शिवरात्रि की जो 84वीं जो शिव जयंती है, उसको ब्रह्मा कुमारी संस्थान का जो सोशल एक्टिविटी ग्रुप है उसको बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर बना रहा है। और यहाँ पे जो सबसे एक बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है वो ये है कि कैसे पहाड़ों के नीचे से एक शिवलिंग प्रकट होगा, ये यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी कौतूहल भरा होगा। मान समय को देख करके और ज्ञान ध्यान योग का भी माना ये होगा। और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इंतजाम किया है, पानी का इंतजाम किया है, हर प्रकार से ये मेला देखने में बहुत सुंदर है। बहुत बड़े रूप में दिया ये मेला, आप सभी आइए अपने परिवार सहित आकर के इस मेले को अवश्य देखिए। कर्नाटक के बीदर में आगामी महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय प्रवचन माला का आयोजन किया गया, जिसके शुभारंभ पर जिलाधिकारी डॉक्टर HR महादेव, पूज्य श्री गोविंद महाराज, इंटरनेशनल वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्य संयोजक डॉक्टर लायन नरेंद्र गौड़, राष्ट्रीय संयोजिका डॉक्टर गुरुराम स्वर्णश्री, माउंट आबू से आए ओम शांति मीडिया पत्रिका के संपादक बीके गंगाधर, बेंगलुरु से आए बीके मंजुनाथ, बीके सुमंगला, बीके सुनंदा, बीके दीपक हरके ने दीप प्रज्वलित कर होलोग्राफिक शिवलिंग का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं कर्नाटक से मुख्य समाचार पत्रों के प्रतिनिधि तथा सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी विशेष हस्तियां मुख्य रूप से मौजूद रही। इस दौरान इंटरनेशनल वंडर बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के मुख्य संचालक डॉक्टर लायन बिंगी नरेंद्र गौड़, राष्ट्रीय संयोजिका डॉक्टर गुरुराम स्वर्णश्री द्वारा सबसे बड़े समाचार पत्र के लिए बीके सुमंगला एवं बीके सुनंदा को मेडल तथा बैज देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीके सुनंदा ने अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं बीदर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित 14 व्यक्तियों को ब्रह्मकुमारीज की ओर से भी ईश्वरीय सौगात तथा शॉल ओढ़ा कर सम्मानित किया गया। वहीं बच्चों द्वारा कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। छत्तीसगढ़ के कोरबा स्थित आध्यात्मिक ऊर्जा पार्क में ब्रह्मकुमारीज द्वारा नगर पालिका निगम के नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान किया गया। इस मौके पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हुए। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि यह दिन और सम्मान आगे भी हमारे नगरपालिका निगम के कार्यकाल में स्मरणीय दिवस होगा। कार्यक्रम में नगरपालिका निगम के सभापति श्याम सुंदर सोनी, MIC सदस्य अमरजीत, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिनी, पार्षद संतोष राठौड़ समेत कई विशिष्ट जनों ने मुख्य रूप से मौजूद रहकर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। इस मौके पर सभी नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान हुआ, साथ ही सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। इस अवसर पर स्थानीय सेवा केंद्र से बीके बिंदु, बीके विद्या और बीके कंचन भी मुख्य रूप से शामिल हुई। ऐसे ही आगे कोहड़िया में ब्रह्मकुमारीज द्वारा संचालित नवनिर्मित आंतरिक शांति अनुभूति केंद्र का उद्घाटन भी राजस्व आपदा प्रबंधन मंत्री जय सिंह अग्रवाल, नगर पालिका निगम MIC सदस्य अमरजीत,
वरिष्ठ समाज सेवी MD माखीजा एवं नगर के गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र से बीके बिंदु ने आंतरिक शांति की अनुभूति के लिए राजयोग अभ्यास को अनिवार्य बताया। पंजाब के भटिंडा में NDRF 7 बटालियन में जवानों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका विषय रहा तनाव मुक्ति के लिए सकारात्मक जीवन शैली। इस अवसर पर माउंट आबू से आए वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान ने सकारात्मक सोच द्वारा विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की कला सिखाई, वहीं मानसिक तनाव हेतु राजयोग का अभ्यास भी कराया। आत्मविश्वास मनोबल, लेकिन मनोबल का आधार है सकारात्मक सोच। कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक सोच की जरूरत है। जिसके सोच सकारात्मक है उसके अंदर शरीर का भी बल अपने आप आता है। कार्यक्रम में कमांडेंट रवि कुमार पंडित, द्वितीय कमांडेंट शशि कुमार झा, सहायक कमांडेंट अजय वर्मा, डॉक्टर जशावीर सिंह, समाज सेवक नरेंद्र बस्सी, स्थानीय सेवा केंद्र से बीके कुनाल मुख्य रूप से मौजूद थे। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बन रहे हैं, ये हमारे लाइफ में डे टू डे बेसिस पे, चाहे पर्सनल लाइफ हो या ऑफिशियल, सारी चीजें बहुत प्रैक्टिकल बन रही है, वाकई में। एज ए ह्यूमन बीइंग भी जरूरी है, एज ए सोल्जर भी जरूरी है, एज ए रेस्क्यूअर भी जरूरी है। बहुत अच्छी बातें बताई, इन पे अनुसरण करना बहुत आवश्यक है। नेपाल के सिमरा में स्वर्णिम युग के लिए परमात्म शक्ति विषय पर कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें नेपाल में काठमांडू में ब्रह्म कुमारीज की निदेशिका बीके राज, पूर्व राज्य मंत्री ज्वाला साहजू मुख्य अतिथि के रूप में, तो वही वरिष्ठ समाज सेवी मदन बहादुर, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रमुख रोहिणी पौडेल, सिमरा सेवा केंद्र की संचालिका बीके मधु, बीरगंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके रबीना समेत कई गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के डबरा स्थित संत कंवर राम हायर सेकेंडरी विद्यालय में ब्रह्म कुमारीज के रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा संचालित तरंग डिजिटल कंपटीशन के फाइनल राउंड का आयोजन दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसमें स्कूल के चेयरमैन मोहन संतवानी, प्रिंसिपल शेगल, डायरेक्टर वधवानी और अन्य स्कूल कमेटी के मेंबर्स के साथ स्कूल के बच्चों ने इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, साथ ही अपने विचार भी व्यक्त किए। इस प्रोग्राम में जूरी के रूप में सिंगर विपिन, ग्वालियर से कीबोर्ड प्लेयर सुरेंद्र और बनारस से सारंगी वादक अमित पांडे थे, जिन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। तो वही रेडियो मधुबन की ओर से RJ रमेश और अनुज पहुंचे थे। इस मौके पर विजयी बच्चों को मोमेंटो से सम्मानित किया गया, तो प्रतिभागी बच्चों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। साथ ही स्थानीय सेवा केंद्र से आई राजयोग शिक्षिका बीके नीलम एवं बीके सरिता को स्कूल की ओर से सम्मानित भी किया गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर स्थित दिव्य संस्कार भवन में कंट्रोल स्ट्रेस बिफोर इट कंट्रोल्स यू, यानी तनाव को नियंत्रित करे इससे पहले कि तनाव आपको नियंत्रित कर ले, विषय को लेकर एक टॉक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर आए माउंट आबू के ग्लोबल हॉस्पिटल से फिजिशियन बीके डॉक्टर सचिन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार नागपुरे, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विवेक पटेल तथा दिनेश देवड़ा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, जिसके पश्चात डॉक्टर सचिन ने तनाव के कारणों पर प्रकाश डाला एवं तनाव से बचने के उपाय भी बताए। दिनचर्या के 10 मिनट निकालने हैं, बैठना एकांत में, और बहुत सारे लोगों को याद करो जिन्होंने हमारे जीवन में हमारी मदद की, टीचर्स, पेरेंट्स, सबको धन्यवाद, मन से, दिल से अहोभाव, मन से ग्रेटिट्यूड, मन से थैंकफुलनेस, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, सबको धन्यवाद। 10 मिनट भी अगर ये कर दिया, एकांत में बैठकर छत पे चले जाओ, गार्डन में चले जाओ, मन शांत हो जाएगा, वो जो टेंशन है वो मिट जाएगा। हमारे लिए ये होगा कि हम बड़ा तनाव ओढ़ते यदि नहीं समाप्त कर सकते तो कुछ तो उसमें रिलैक्स या कुछ तनाव रिलीज कर सकते हैं। इसी क्रम में दूसरा कार्यक्रम सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों के लिए आयोजित हुआ,
जिसमें बीके डॉक्टर सचिन ने स्व परिवर्तन के लिए हर व्यक्ति के लिए शुभ भाव रखने के लिए जोर दिया। उन्होंने कहा कि कैसे भी परिस्थिति हो, सामने वाले का कैसा भी स्वभाव हो, लेकिन हमें शुभ भावना रखनी चाहिए। इस दौरान कमेंट्री के माध्यम से सभी को राज्यों की गहन अनुभूति भी कराई गई। आज की खबरों में बस इतना ही, और कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।